देख तो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं अपनी देवरानी को इस घर में ब्याह के लाई थी। देखना छोटी, कुछ भी तो नहीं बदला, हाँ? फिर ऐसा क्या हो गया? छोटी, एक वादा कर मुझसे। कैसा वादा दीदी? आज से तू देवर जी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर। कैसे दीदी? अरे तू उनसे अपना दुख बांटने की कोशिश कर। देख छोटी, जो वेदना तेरी है वही उनकी भी, और दुख तो बांटने से ही कम होता है ना। पत्नी है तू उनकी, पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं मांगती कभी? चुपचाप सहती क्यों है? आज जब वो घर आए तो सब कुछ भूलकर खुशी से उनका स्वागत करना जैसे पहले किया करती थी। सुहागनों को हमेशा सच संवर कर रहना चाहिए। भाभी, आपने सुना मुझे चोट कैसे लगी? अंशु बस एक मिनट, हाँ जरा ये साड़ी का पल्लू ठीक कर लूं, फिर तुम्हारी सारी बात सुनूं। पर आप ये साड़ी क्यों चेंज कर रहे हो? क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही? है, पर बार बार। वो इसलिए कि तुम्हारे दादू आने वाले। भाभी, ये लड़कियां भी बड़ी अजीब होती है ना? हाँ, सही कहा, होती तो हैं। पर अंशुमन, मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी से ये कैसे पता चला कि लड़कियां कैसी होती हैं? अरे ये क्या, ये पट्टी? वो दादू एक्चुअली क्या है ना, मेरे क्लास में एक लड़की है, उसने मुझे मारा। लड़कियों ने मारा तो मार खा के आ गया, नाम खराब कर दिया मेरा। दादू, आपको पता नहीं हमारे क्लास की लड़कियां कितनी डेंजरस है। वो ऐश्वर्या है ना, अरे बड़ी नकचड़ी है। सर, मैं उसकी ड्राइंग बुक ठीक करा था, उसने मुझे नाखूनों से नोच दिया। उफ, जंगली बिल्ली है क्या? एकदम। अंशुमन, ये लड़कियां ना ऐसी होती हैं, इनको समझना इम्पॉसिबल है। नहीं अंशुमन, ऐसी बात नहीं, लड़कियां चाहे ऊपर से कितनी भी कड़क हो, उनका मन बहुत ही नरम होता है, तभी तो इतनी जल्दी मान जाती है। बस उन्हें प्यार चाहिए, फिर देखना सबका कितना ख्याल रखती है। आगे देवर जी, मैं अभी ठंडाई भिजवा दी। जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी।
सुना ना, मैं काफी दिनों से ये सोच रहा हूं कि हमें बात करनी चाहिए। चुप रहने से वक्त ही गुजरा है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। बल्कि हमारी खुशियां भी गायब हो गईं। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं सुनैना। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सुनैना, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका। शायद मैं तुम्हारे लायक था ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे कहने दो सुनैना। आज मैं ये मानना चाहता हूं कि मुझ में कमियां रही हैं। मैं सरल इंसान नहीं। मुझे समझना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया, पर मैं ये भी जानता हूं जितना तुमने निभाया है मेरे साथ कोई और औरत होती नहीं निभाती। तुम ही हो जिसने ये रिश्ता संभाला है आज तक। सुनैना, काफी सोच समझ कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब इस रिश्ते में बना के रखने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। हमारा अलग होना ही बेहतर होगा। वैसे तो आप हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज इस स्पेशल दिन पर ये अम्मा जी से आ रही।
लड़कियां हम लड़कों के पल्ले तो पड़ती नहीं। पता है अंशुमन, ये जो लड़कियां होती है ना, एकदम गूगली बॉल की तरह आती है। जब सामने से आ रही होती है तो एकदम सीधी लगती है, लेकिन कब कहां घूम जाए ये तो ऊपर वाला ही जाने। और अंशु, ये लड़के भी ना कम छुपे रुस्तम नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी समझना बहुत मुश्किल है, आप लोग कुछ नहीं जानते। Because girls are from Venus and boys are from Mars. ओहो, तुम्हें कैसे पता? वो तो ऐसे ही पढ़ लिया था। ये गर्ल्स होती ना थोड़ी सी भावुक होती है, यू नो, इमोशनल टाइप। और ये लड़के, ये प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, ये भावनाओं में नहीं बहते। Congratulations! Hello, 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 my team! Hello, guys! Congratulations, Bhabhi! मैंने जब अपने दोस्तों से कहा कि आप पास हो गई, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो सबने कहा कि क्यों ना पार्टी हो जाए। भाभी है ना ब्रिलियंट आइडिया, मौज मस्ती और विनर्स। हाँ अक्षरा, आज हम दोस्तों का वीडियो गेम टूर्नामेंट है और आपको इस वर्ल्ड फेमस चैंपियनशिप में भाग लेना, और वैसे भी आज घर में कोई डिस्टर्ब करने के लिए है ही नहीं। सचिन तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो 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 जेम्स, कम ऑन। वैसे भाभी सच, आज घर आपने बहुत अच्छा सजाया। और हाँ भाभी,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास होने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं कि इसने कितना टाइम वेस्ट किया आपका पढ़ाई के टाइम पे, हाँ, और फिर भी आप पास नहीं, मतलब हैट्स ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरी तरफ से भी भाभी बधाई हो आपको। इनफैक्ट आई शुड से थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से ही हमारे गेमिंग कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ गया है, वरना हमारे गेम्स तो हमेशा किसी ना किसी के घर में एक बंद कमरे में खेली जाती थी। लकी मैन यू आर माई फ्रेंड, बहुत अच्छी वाइफ मिली है तुझे। और ये हमारी प्यारी भाभी के कंग्रेचुलेशन भाभी। और भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मेरी तरफ से। हाँ अक्षरा, इतनी अच्छी सजावट की तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गाइस गाइस गाइस, हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? चलो टूर्नामेंट साकेट दे। चलो मैं तुम लोगों को नदी का कमरा दिखाऊं। अच्छा चल चल। मोहित आज तो तुझे हरा के रहूंगा यार। अरे जा यार। हाँ याद रखना तुम लोग, एज यूजुअल this time also I'm going to be the winner. सजावट कैंडल्स फ्लावर एंड ऑल, लगता है पार्टी कुछ खास है। अरे लो भाभी आ गई। आइए भाभी, आज तो आपको नैतिक को हराने हो बस। इस जन्म में तो ये मुझे हराने से नहीं। चैलेंज कर रहे हैं अब तो आपको भाभी, अब तो आपको उसे हराने हो। हाँ भाभी कम ऑन। अभी खुल्लम खुल्ला ललकार रहे, आज तो हरा ही दीजिए। नैतिक पानी मंगवाना यार। हाँ अक्षरा, इस दिन सब पहले कुछ पीने के लिए ले आएंगे। शहनशाहबर, ये साल 2009 है, हुकूमत चलाइए, जाइए जाकर मदद करिए। हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी अब शहनशाहबर कहाँ। अरे भाई अब तो तू जोरू का गुलाम बन गया भाई। शादी करके देख लो, तुम सब भी ना जोरू के गुलाम ही बनने वाले। अरे बेटा तू फंस गया है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। मेरे फ्रेंड्स बहुत इंप्रेस हो गए आपसे आज। रियली घर आपने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, मेरी बीवी से मुझे यही उम्मीद थी। वैसे ये साड़ी बहुत जच रही है आप पर। अरे लाइए मैं मदद कर देता हूं। क्या हुआ आप, कुछ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।